हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वॉलपेपर्स के बारे में। वॉलपेपर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आप दीवार पर लगा दीजिए, पूरा दीवार चेंज हो जाती है। और जैसे ही वो पूरी दीवार चेंज होती है, आपको अपने घर का या अपने पूरे रूम का लुक एकदम चेंज और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वॉलपेपर्स लगाने के लिए, बट वैसे वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अब आप कहेंगे कि वॉलपेपर्स तो बहुत आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, आजकल तो टेक्सचर पेंट का ज़माना है, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। वॉलपेपर्स ऐसी चीज़ होती है जो एवरग्रीन टाइप की होती है। वॉलपेपर्स अपने आप में खूबसूरत लगते हैं, टेक्सचर पेंट अपने आप में खूबसूरत लगता है। हालाँकि दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, बराबर सी ही होती है। मेरे घर में चार वॉलपेपर्स हैं, चार दीवारों पे वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। आज से करीब 2-2.5 साल पहले जब हमने इस घर का इंटीरियर करवाया था, तब जब इंटीरियर कराने के बाद जब हम घर में आए थे तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि कुछ फर्नीचर नहीं था, कोई डेकोरेटिव शो पीसेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर हमने एक दिन लास्ट में करवाया था पूरा वॉलपेपर्स वाला काम, और एक दिन में हो गया था। और उसके बाद जब घर में एंटर हुए थे, पूरी घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, एकदम चेंज लग रहा था। मेरे घर में जो चार वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, मैं वही सब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहला वॉलपेपर है वो मेरे फॉयर एरिया में लगा हुआ है, और घर में एंट्रेंस गेट और घर में एंट्री करते ही सबसे पहले वो वॉलपेपर दिखता है। तो जो ये वाला वॉलपेपर है, ये पेंटिंग के जैसा दिखता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी सी पेंटिंग है, उसमें फ्रेम कराया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिजिटली प्रिंटेड वॉलपेपर है। इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हैं, बस आपको अपना साइज़ देना होगा और वो उस साइज़ में प्रिंट होके आपके लिए आ जाएगा। तो ये वाला जो वॉलपेपर है, ये हमने सेलेक्ट किया था बहुत घर की जैसा, मतलब एक गांव की फैमिली है जो डिनर कर रही है, बच्चे खा रहे हैं, साथ में एक पेट है, तो बहुत अच्छा सा, बहुत पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट, बहुत पॉजिटिविटी देने वाला ये वाला वॉलपेपर है, फैमिली को दिखाता हुआ वॉलपेपर है। तो हमने ये वाला वॉलपेपर चूज़ किया था। उनके पास में बहुत खूबसूरत थे, मतलब हाथी के, जंगल के, बहुत खूबसूरत वॉलपेपर्स थे। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक हैंगिंग लैम्प दिया है, और नीचे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर एक फाउंटेन है। तो पूरा फॉयर एरिया बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये मेरा घर, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है मेरे इस घर का। और जो मेरे घर में दूसरा वॉलपेपर है, वो हमारी बिल्कुल टीवी यूनिट पे लगा हुआ है। ये पूरी वॉल ले ली है इसमें, मतलब ये भी फॉर एरिया से स्टार्ट होती है और ये पूरी वॉल कवर करती है। तो ये सबसे मेन, मतलब जब कोई आके यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर सिटिंग एरिया है और यहाँ पर कोई आता है तो सबकी नज़र सबसे पहले इस वॉलपेपर पे पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल फोकल पॉइंट की तरह ये काम करता है। क्योंकि ये है मेरा सिटिंग एरिया, और सिटिंग एरिया के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर टीवी वॉल है, और टीवी वॉल के ऊपर लगा हुआ है ये वाला वॉलपेपर। ये सब कुछ गोल्डन गोल्डन जैसा है, क्योंकि मेरा घर का इंटीरियर गोल्डन है, तो उसी से मैच करता हुआ ये वाला वॉलपेपर है। और इस वॉलपेपर की खास बात यह है कि ये बिल्कुल 3D इफेक्ट देता है। जो शेडो से आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्रिंट है, इसको दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ 3D जैसा कुछ है। इस वॉलपेपर में गोल्डन, वाइट और ग्रे कलर का प्रिंट है, 3D प्रिंट है, क्योंकि ये मेरा गोल्डन बीच कलर का है तो गोल्डन मैच करता है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर जितने भी डेकोरेटिव पीसेस लगाए हुए हैं वो सब गोल्डन बीच कलर के हैं। मेरा कर्टेंस गोल्डन कलर का है, और मेरा सोफ़ा सिटिंग एरिया गोल्डन कलर का है। बस थोड़ा सा कलर एलिमेंट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर के कुशन्स ऐड किए हुए हैं, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ग्रीनरी प्लांट्स ऐड किए हुए हैं। तो ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जो थर्ड वॉलपेपर है वो हमने लगाया हुआ है अपने डाइनिंग एरिया में। हमारा लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया का एक बहुत बड़ा सा हॉल है, तो एक ये वाला पोर्शन है जो हमारा लिविंग एरिया है, और इसी के पास में ये डाइनिंग एरिया है। ये बिल्कुल अपोजिट वॉल्स हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला लिविंग एरिया की वॉल है, और इसके ही अपोजिट में आती है हमारी डाइनिंग एरिया की वॉल। और ये हमारा डाइनिंग एरिया, इसमें लगा हुआ है ये वाला वॉलपेपर, ये भी बहुत ब्यूटीफुल वॉलपेपर है।
ये वाला वॉलपेपर दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ लेदर जैसा है, कुछ लेदर जैसा फिनिशिंग लुक है इसकी। ट्रायंगुलर शेप है, आप कौन सा देखेंगे तो आपको लेदर जैसा फिनिशिंग दिखाई देगी। और ये है मेरे घर का चौथा वॉलपेपर जो हमारे मास्टर बेडरूम में है। और ये वाला वॉलपेपर आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा क्योंकि मैं मोस्टली इसी रूम में शूट करती हूँ, तो बैकग्राउंड में यही वाला वॉलपेपर आता है। ये वाला वॉलपेपर बिल्कुल शाही ख़ानदान जैसा, शाही वर्क वाला लगता है। तो इसमें आप देखेंगे ये ऐसा लगता है जैसे किसी साड़ी में कोई कारीगरी हो रखी है, उस टाइप का लगता है। और ये बहुत कॉमन है ये वाला वॉलपेपर, मैंने बहुत जगह देखा है, मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ये हमारे पूरे इस कमरे के इंटीरियर के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाता है। घर के चार वॉलपेपर्स जिन्होंने मेरे पूरे घर का लुक चेंज कर दिया है। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं, उनका इंटीरियर का काम चल रहा है, तो वॉलपेपर्स के बारे में आप एक बार सोच सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनके रोल्स आते हैं और पर रोल के हिसाब से इनकी कॉस्ट होती है। और रोल के आपकी दीवार जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा रोल्स आपके दीवार पर लगेंगे और उतना ज़्यादा ही आपका कॉस्ट होगा। तो जब से सबसे ज़्यादा रोल्स हमारे लगे हैं टीवी यूनिट वाली वॉल पर, शायद इसमें 4 या 5 रोल्स लगे हैं, और उसी हिसाब से इसका प्राइस था। जो हमारे घर में वॉलपेपर्स लगे हुए हैं उनका प्राइस 2800 पर रोल के हिसाब से था, और सब कुछ मिलाकर शायद 28,000 या 25,000 के करीब सारे वॉलपेपर्स में हमारा खर्चा आया था। और आप इससे भी ऊपर हायर रेंज में जा सकते हैं, हमारे पास में बिल्कुल बेसिक या मीडियम, मीडियम भी नहीं बेसिक ही बोलूँगी मैं, बिल्कुल बेसिक वाले वॉलपेपर्स हैं। और कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय।